So today we are going to learn about one very important numerical which we'll be solving, and this particular numerical is from the motion in a straight line. So इस numerical को हम लोग solve करेंगे, इससे हमारे काफी fundamentals clear हो जाएंगे distance और displacement के बारे में. तो देखते हैं पहले question क्या है. A particle moves along a circular path of radius r. एक particle है जो एक circular path में move हो रहा है, उसका radius circular path का कितना है, r है. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायग्राम को ले लेता हूँ. पहले यहाँ पे देखो, तो ये आर जो है हमारा रेडियस है, तो ओ बी भी आर हो जाएगा, ओ सी भी आर हो जाएगा और ओ डी भी आर हो जाएगा. ठीक है, ये सारे ओ पॉइंट से सब रेडियस दिखाया हुआ है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, जो पार्टिकल है वो ए पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड मूव्स एंटी क्लॉक वाइज. एंटी क्लॉक वाइज ऐसे मोशन कर रहा है. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द पार्टिकल एट एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी. ए से बी के बीच में हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ए टू बी. ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है. देन मूव्स फ्रॉम ए टू सी, फिर ए से सी के बीच में हमको जब पार्टिकल सी पे पहुंच जाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये बताना है. फिर मूव्स फ्रॉम ए टू डी, फिर ए से डी के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमको बताना है ए टू डी, इस पॉइंट पे जब आ जाता है पार्टिकल. एंड फोर्थ में बोलता है कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, और जब पार्टिकल ए टू ए वापस आ जाता है ए पॉइंट पे पूरा एक रेवोल्यूशन करके, तो कितना डिस्टेंस कवर किया पार्टिकल ने वो हमको कैलकुलेट करना है. ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, डिस्प्लेसमेंट का निकालना है. ठीक है, इन ईच केस, इन ऊपर जो चारों केस दिए हुए हैं सब में हमको डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है साथ में. तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. अब इसमें मेन पॉइंट हमको देखने वाली बात यह है कि इस सर्कल सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है, तो अगर पार्टिकल पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है ए टू ए तक आता है तो इसका सर्कमफेरेंस सर्कल का कितना है, टू पाई आर है. ठीक है, तो ये हो गया, ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगा और ए टू ए पे आता है. ठीक है, दिस इज द टोटल डिस्टेंस अगर पार्टिकल ए से चल के ए पे वापस आ जाता है, इट विल विच विल बी इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर रहेगा. ये बात हमको मालूम पड़ गई. अब हम लोग देखते हैं, पहला पार्ट करते हैं, मूव फ्रॉम ए टू बी. तो ए से बी जो मूव हुआ तो उसने डिस्टेंस ये कवर किया, ये जो मैं अभी आपको हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से. ठीक है, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है. तो हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इस सर्किल में हमको दिखता है कि सर्किल जो है फोर पार्ट में डिवाइडेड है. ये पार्ट वन है ए टू बी वाला, और बी टू सी ये पार्ट टू है, थ्री और ये फोर, ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं. अब फर्स्ट पार्ट का हमको निकालना है इसका डिस्टेंस ए टू बी का. तो टोटल डिस्टेंस जैसा मैंने बताया कि पार्टिकल अगर कवर करेगा टू पाई आर करेगा, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है वन फोर्थ से ये मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे या फोर से इसको डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वन फोर्थ से टोटल सर्कमफेरेंस में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, या टू पाई आर को फोर से डिवाइड कर दिया, तो टू से ये फोर कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 1 बाई टू पाई आर. ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड. अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस रहता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. तो साथ में हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करते जा रहे हैं. तो यहाँ पे मैंने दिखलाया है डॉटेड लाइन ब्लैक कलर से, ए टू बी यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, और फाइनल पॉइंट बी है. तो हमको ए बी कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए. क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए बी. और ए बी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ओ ए बी, ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल है. तो इसमें ए बी कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, और पाइथागोरस थ्योरम हमको मालूम है कि कैसे लगाते हैं. ए बी जो है ये हाइपोटेनस का निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए, स्क्वायर रूट में ओ ए का स्क्वायर कर देंगे प्लस किसका स्क्वायर कर देंगे, ओ बी का स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमको ए बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी. ठीक है, तो हम लोग अब इसको कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पर ओ ए की वैल्यू कितनी है, आर है, तो क्या आ जाएगा इधर, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, टू आर स्क्वायर हो जाएगा, आर बाहर आके आर रूट टू हो जाएगा. तो इसको सेम वे में यहाँ पे कैलकुलेट किया है, एक डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया है. डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ले लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और टू आर स्क्वायर हो गया जैसा मैंने बताया, और आर बाहर आ गया आर रूट टू. दिस इज द आंसर. दिस वी हैव सॉल्व द फर्स्ट पार्ट.
ए टू बी। अब हम लोग देखते हैं जब पार्टिकल मूव होता है ए टू सी में, सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में देखो ए टू सी, यहां से पार्टिकल चल के सी तक आ गया, तो यहाँ पे कितने सर हाफ सर्कल इसने कवर कर लिया, देख रहे हैं हम लोग ए टू सी में हाफ सर्कल कवर कर लिया। तो पूरा डिस्टेंस था 2πr, तो इसका हाफ कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा ए टू सी में डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा 2πr का हाफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा πr। अब इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट देखो मैंने क्या बताया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो ए और सी के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है, एक आर, ओ ए और ओ सी दोनों को ऐड करेंगे तो आर प्लस आर, ये दोनों ऐड करेंगे तो इससे डिस्प्लेसमेंट हमको मिल जाएगा। तो दोनों को आर प्लस आर करेंगे तो 2r विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ए सी जो वेक्टर है दैट विल बी 2r, है ना, आर प्लस आर, ये एक आर प्लस एक रेडियस, दोनों रेडियस को ऐड कर दिया तो हमको डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मिल गया ए और सी के बीच में। अब हम लोग थर्ड पार्ट में आते हैं, मूव्स फ्रॉम ए टू डी। अब पार्टिकल डी पे आ गया, ए से डी, तो वन टू थ्री, थ्री पार्ट इसने, फोर में से थ्री पोर्शन उसने थ्री पार्ट कवर कर लिया, तो 3/4 करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड का 2πr का, तो हमको डिस्टेंस आ जाएगा 3/4 ऑफ 2πr। यहां से 2 से इस 4 को कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3/2πr। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है अब पार्टिकल डी पॉइंट पे, तो यहां से फिर जैसे ऊपर हमने पार्ट 1 में किया था वैसे यहां से एक डॉटेड लाइन ले लेंगे और यहां पे हम लोग देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल बन गया, ए ओ डी। इस ट्रायंगल में हमको एडी कैलकुलेट करना है, एडी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इसमें अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा आर रूट टू, जैसे यहाँ पे हमने निकाल रखा है फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग देखते हैं पूरा एक रिवोल्यूशन, तो जब पूरा वन रिवोल्यूशन ले लेगा ए से वापस ए पे आ जाएगा तो 2πr डिस्टेंस ऑब्वियसली कवर कर लेगा, 2πr इसका डिस्टेंस हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ए पे आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा। तो फाइनली फ्रॉम ए टू ए डिस्टेंस कवर्ड इज 2πr एज द फाइनल पॉइंट कॉइंसाइड विद द इनिशियल पोजिशन, जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विल बी जीरो। तो इस क्वेश्चन को अगर आप करते हो तो इससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फंडामेंटल काफी अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो विद दिस वी हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। Thank you.